आज एक नई सुबह की शुरुआत होने जा रही है और आज का मौसम बहुत अच्छा है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो आज सुबह सुबह उठ के जो बाहर आए तो बहुत ही अच्छा लगा। वॉक हो गई है और उसके बाद डेली का रूटीन का काम शुरू हो गया है। देखिए श्रीवास्तव जी कल सब्जी लेकर आए थे, ये देखिए। मैं बनाने जा रही हूँ आज हैदराबादी बघारा बैंगन, मसाला बैंगन भी कहते हैं जिसको। और ये बैंगन बनते हैं साउथ में, हैदराबाद में, पार्टी में। पार्टी की डिश है ये। जब मैं हैदराबाद में थी तो मैंने वहाँ पर ये बैंगन खाए थे और बनाना सीखे भी थे। तो आज मैं बना रही हूँ और वो स्टाइल में आपको भी बताने जा रही हूँ कि क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो ये ली है मैंने प्याज, और इस प्याज को मैं रोस्ट करने वाली हूँ माइक्रोवेव में। ये देखिए छिलके के साथ में मैंने प्याज को रख दिया है और अब मैं करीब 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव ऑन कर दूंगी। ये देखिए प्याज हमारी भुननी शुरू हो गई है और तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। प्याज हमारी भुन चुकी है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है प्याज हमारी। बस इतना ही हमको चाहिए है। और अब इसका बनाएंगे हम पेस्ट, और अब इसी में रख देंगे हम मूंगफली के दाने रोस्ट होने के लिए। अब बनाएंगे हम इस प्याज का पेस्ट, और साथ में ले ली है हमने ये हरी मिर्ची जो लाल हो जाती है उनको लिया है। इसको हम प्याज के साथ में ही पीस लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें सरसों का तेल। हमारे यहाँ तो सरसों होती है तो हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। वैसे साउथ में तो मूंगफली होती है, तिल होता है तो वहाँ पर, और नारियल होता है तो वहाँ पर खाना बनाने में लोग मूंगफली और नारियल के तेल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो सरसों का तेल ही हम यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें मैंने डाला है इतना सरसों का तेल। ये मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है, मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। तेल कुछ ज़्यादा लग रहा था मुझे तो मैंने निकाल लिया है, और देखिए धुआं निकलने लगा है क्योंकि हम सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म करते हैं। और अब डलेगा इसमें जीरा। और अब डलेगा इसमें ये बिल्कुल फ्रेश करी पत्ता जो मैं अभी गार्डन से लेकर आई हूँ, और मैंने इसको धो लिया है और अब मैं इसको इसमें डालती हूँ। ये इसी स्टेज पर डालना है। वैसे तो नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट ऑयल में डालते हैं, लेकिन हम करी पत्ता बघारा मसाला बैंगन में प्याज डालने के बाद डालेंगे। और डलेंगी इसमें कुछ हरी मिर्ची जिनको मैंने चीर लिया है। अब डालेंगे इसमें थोड़े से कुछ मसाले जिसमें 1 से 1.5 चम्मच है करी धनिया पाउडर, थोड़ी सी डलेगी 1/2 चम्मच से भी कम हम इसमें हल्दी डालेंगे, और डालेंगे हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक। लाल मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लाल मिर्ची पीस चुके हैं, और हरी मिर्ची ये हमारी तीखी नहीं है ज़्यादा। अब खटाई के लिए क्या डलेगा इसमें? वैसे तो जो ट्रेडिशनल सब्जी बनती है उसमें डलती है इमली, इमली का पेस्ट। हैदराबाद की जो सब्जी है उसमें इमली का पेस्ट डलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हैं आजकल आम, तो हम आम की खटाई यूज़ करेंगे इसमें। जब तक हमारा मसाला भून रहा है तब तक हमने देखिए कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो भी चुका है तो अब हम इन बैंगन को फ्राई करें। बैंगन को इस तरीके से डीप फ्राई करेंगे। छोटे बैंगन है तो आप 2 पीस कर लीजिए, कोई बड़ा बैंगन है तो आप 4 पीस कर सकते हैं। और इस तरीके से हाई फ्लेम पर हम इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। बैंगन को हमने फ्राई करके निकाल लिया है, और इसी तरीके से हम सारे बैंगन को फ्राई कर लेंगे। तब तक मसाला हमारा देखिए भून चुका है,
ये देखिए मसाले में से तेल अलग हो रहा है और अब हम इसमें डालेंगे क्या, खटाई के लिए हमारा पिसा हुआ आम, ये मैंने पीस के रखा हुआ है। मूंगफली का भी पेस्ट बना लेते हैं इनके छिलकों को अलग करके। मूंगफली का पेस्ट हमारा रेडी है और अब इसको हम इसमें डाल देते हैं, इसको करेंगे मिक्स। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और ये हो रही है हमारी ग्रेवी तैयार। आप अपने हिसाब से ग्रेवी जैसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, मुझे तो अभी पानी इसमें और चाहिए। क्योंकि अभी इसमें बैगन पकेंगे, जो हमने मूंगफली डाली है वो भी पानी पीती है तो पानी काफी चला जाएगा, इसलिए हम इसमें अभी आप देखिए इसमें कितना पानी है। और अब हम इसको पकने देंगे। हो रहे हैं हमारे मसाला बैगन तैयार। ओहो भाई साहब आ गए हैं, भाई साहब आ गए हैं। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। निन्नी पूरी हो गई, सो लिए? गुड मॉर्निंग कर लो। गुड मॉर्निंग। नानी से गुड मॉर्निंग कर लो भैया, नानी से गुड मॉर्निंग। नमस्ते। जय 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 कर लो। नींद में जय जय हो गई? कैसे करी जय जय? करो जय जय करो, जय जय करो, जय जय कर लो। नानी पपी, नानी पपी, ऐसे करते कैसे करते, पुछ करो, पुछ 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 करो, पुछ पुछ, अब इधर करो भैया, इधर करो, इधर इधर करो, इधर करो। बहुत गर्मी हो रही है, ग्रेवी हमारी बॉईल होने लगी है और करीब हम 5 मिनट तक इसको पकने देंगे और उसके बाद में फिर इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए बैगन। ग्रेवी हमारी पक चुकी है तो अब हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई किए हुए बैगन। मिनट के लिए इसमें एक बॉईल आने तक पकाएंगे इसको, फिर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। दूध ऊपर आ रहा है, फ्लेम को करेंगे ऑफ। ये देखिए मसाला बैगन हमारे बनकर रेडी है, और मसाला बैगन रेडी है और अब ये बनाने हैं अभी हमको बघारा बैगन। तो आप देखिएगा कि अब हम इसमें कैसे बघार लगाते हैं। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और अब बघारा बैगन लगाने के लिए लगाएंगे हम इसमें बघार। ये देखिए मैंने जो है बैगन जिसमें फ्राई किए थे तो वही तेल बचा हुआ है, तो उसी तेल में हम डालेंगे अब इसमें राई और जीरा। तेल हमारा ऑलरेडी गरम है तो हमें ज़्यादा गरम करने की ज़रूरत नहीं। राई और जीरा हमारा चटक चुका है तो अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसमें ये डालेंगे हम जादू कलर वाली मिर्ची जिससे लगेगा बघारा। ये देखिए पार्टी वाले बघारा बैगन तैयार हैं। साउथ इंडियन मसाला बैगन, बघारा बैगन कैसे लग रहे हैं आपको, जरूर ट्राई करिए। इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं।